गाइस आज लिटरली मैं पूरा लॉस सैंटोस खाली पड़ा है। तभी देखिए मैं पीछे बीच रोड पर कार चला रहा हूँ अपनी। एक बाप रे, ऑल फादर गॉड, रोड पर क्यों पड़ा है? नहीं गाइस, ये रोड पर नहीं पड़ा, ये आधा समुंदर में और आधा जमीन पर है। लेकिन ऐसा क्या हो गया इसको? ओ माय गॉड, कहीं गाइस इसी वजह से तो पूरा लॉस सैंटोस खाली नहीं पड़ा है। ओ भाई, इसके हाथ देखिए गाइस, ये कितना बड़ा है यार। ऑल फादर गॉड, अरे ब्रदर क्या हो गया तुझे? हेलो गाइस, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि ऑल फादर गॉड अवेंजर्स के स्टार्क मेंशन के पास लेटा हुआ है और अवेंजर्स यहां मुझे दिख भी नहीं रहे हैं। गाइस मेरे पास एक आईडिया, ऊपर जाके देखता हूं। अरे चल भी नहीं पा रहा हूं, हट भी नहीं रहा है सामने से। गाइस आप लोग जल्दी से लाइक बटन दबा दो, मुझे तो अब डर लग रहा है लिटरली में, और चैनल सब्सक्राइब भी कर दो। बस मैं उम्मीद करता हूं यहां पर सब कुछ ठीक हो। ऑल फादर गॉड हेलो, कुछ बोल। अरे भाई मैं कितना ऊंचाई पे चढ़ आया गाइस, एक मिनट। मैं ऑल फादर गॉड की बॉडी पे लिटरली चलते चलते डायरेक्ट स्टार्क मेंशन में आके लैंड हुआ हूं। लिटरली मैं कितना बड़ा है यार ऑल फादर गॉड। अरे यार अब कौन बनेगा नया ऑल फादर गॉड, कौन इसकी तरह साइज बढ़ा पाएगा अपना? एक मिनट, स्टॉक को पहली बार इतनी बुरी तरह से रोते हुए देख रहा हूँ। हल्क को तो अब रोना भी नहीं आ रहा है, आंसू भी खत्म हो गए हैं। ये क्या चल रहा है? मैं क्या बताऊँ, इससे पूछ। उठिर की कसम, हमसे मत पूछ। अरे यार सुपर बाद हो गया। अरे यार फ्रैंकलिन, बहुत बड़े गड़बड़ हो गई, ऑल फादर गॉड अब नहीं रहा। क्या अब नया ऑल फादर गॉड कौन बनेगा? अब अवेंजर्स में इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऑल फादर गॉड जितना साइज बढ़ाकर पूरी दुनिया की रक्षा कर पाए। प्लीज कुछ तो कर फ्रैंकलिन। लेकिन ऑल फादर गॉड मर कैसे सकता है? ये क्या कह रहा है तू, मजाक कर रहा है ना? ऑल फादर गॉड तो इतना अच्छा गॉड था यार। स्टॉक नहीं फ्रैंकलिन, मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरी दुनिया दुखी है आज। ओ नो गाइस, ये क्या? प्लीज ऑल फादर गॉड के लिए वीडियो लाइक कर दो और चैनल सब्सक्राइब भी। लेकिन टोनी स्टॉक, ऑल फादर गॉड कैसे मरा? शायद उसकी उम्र हो गई थी और वो चाहता था कि अब उसका कोई नया वारिश बने, इस दुनिया को संभाले, एक नया ऑल फादर गॉड बने और उससे भी ज्यादा तरक्की करे, साइज बढ़ाए। लेकिन फ्रैंकलिन, हम इंसानों में इतनी काबिलियत कहाँ कि हम ऑल फादर गॉड जितना साइज बढ़ा सके? अब पता नहीं क्या होगा हमारी इस खूबसूरत सी दुनिया का, मासूम सी दुनिया का। लोग शायद इसको बिगाड़ ना दें, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मेरे को तो और ज्यादा चिंता हो रही है। अरे यार कुछ तो सॉल्यूशन निकालो अवेंजर्स। हल्क जरूर सॉल्यूशन निकालेगा, बस बर्गर खिला दो। अरे यार फ्रैंकलिन, एक मिनट फ्रैंकलिन, ये ऑल फादर गॉड गायब क्यों हो रहा है? नहीं लगता है गाइस यहाँ पर ऑल फादर गॉड की बॉडी डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गई है। मरने के बाद इंसान भी गलने सड़ने लग जाता है और हमारा ऑल फादर गॉड भी हमें छोड़ के चला गया। एक मिनट गाइस, ये क्या, यहाँ पर ऑल फादर गॉड की बॉडी एक पोर्टल में बदल गई। लगता है गाइस ये ऑल फादर गॉड की जितनी भी जादुई शक्तियां थी वो हैं। लेकिन अब हम इसका क्या करेंगे फ्रैंकलिन? हम इसको सेव करके रखेंगे। भाई बात तो तू सही कह रहा है स्टॉक, लेकिन क्या हम इसका यूज नहीं कर सकते? क्या इसके द्वारा कोई ऑल फादर का नया गॉड नहीं बन सकता? बात तो तू सही कह रहा है फ्रैंकलिन, लेकिन ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। लेकिन गाइस अगर मैं ट्राई करके देखूं, क्या पता अगर मैं उस पोर्टल में जाऊं और मेरा साइज यहां पे ऑल फादर गॉड जितना हो जाए, उससे बड़ा हो जाए, फिर तो गाइस मैं अपना साइज ग्रो कर लूंगा और दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर ऑल फादर गॉड बन जाऊंगा। लेकिन गाइस इसका उल्टा भी हो सकता है, हो सकता है मैं ऑल फादर गॉड की सुपर पावर्स को अपने बॉडी के अंदर संभाल ही ना पाऊं और मैं ब्लास्ट हो गया, मर गया तो। अरे जल्दी जल्दी जाता हूं, मैं दुनिया का नया ऑल फादर लावा गॉड बन जाऊंगा। एक मिनट गाइस, सामने से एक बच्चा आ रहा है। ए बच्चे नहीं, उसके अंदर मत जा। एक मिनट, ये क्या हो रहा है इसके साथ? अरे वाह, मेरा छाइज बल्ला है, अब तो मैं नया ऑल फादर लावा गॉड बनूंगा। एक मिनट गाइस, मेरी थ्योरी सही थी, लेकिन यहां पर देखिए यार, ये गॉड का बच्चा था लावा गॉड और ये इसका साइज बढ़ गया। वाह, मैं तो यहाँ पर बड़ा हो गया, लेकिन मेरे पास कोई पावर नहीं आई। एक मिनट, ये क्या हो रहा है मुझे? ओह माय गॉड, कहीं वो मर ना जाए। अरे बाप रे, नहीं गाइस उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। मेरे पास तो पावर्स भी आ चुकी हैं, क्या ही बात है, ये तो अभी शुरुआत है, मुझे अपना साइज अभी और ज्यादा बढ़ाना होगा। ओह माय गॉड गाइस, एक बार मैं खुद का साइज बढ़ा लूं, पूरी दुनिया पर कब्जा कर लूंगा और अवेंजर्स से लेकर सारे सुपर हीरोज की पावर्स चुरा लूंगा। अरे बाप रे, ये क्या कह रहा है दोस्तों? और यहाँ पर इसका साइज देखिए, रैपिडली कितनी स्पीड में बढ़ रहा है। अरे भाई, अवेंजर्स, मैं हूं ऑल फादर लावा गॉड, ये देखो मेरी शक्ति। अरे फ्रैंकलिन रॉक उसका भाई, वो क्या कर रहा है?
है, वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा अपने अहंकार से, ऑल फादर गॉड की शक्तियों को दिया बचाना होगा। लेकिन कैसे, ये बहुत बड़ा है। अरे बाप रे, ए भाई हेलो, लावा गॉड ऐसा मत कर, उन पावर्स का गलत इस्तेमाल मत कर। एक मिनट, ये तो वहीं खड़ा है। अब मैं बन जाऊंगा दुनिया का सबसे बड़ा गॉड। ओ नो यार, ये तो ऑल फादर गॉड की सारी पावर्स को यूज कर लिया है। अरे भाई, ये तो ऑल फादर गॉड जितना बड़ा हो गया। मैं ऑल फादर लावा गॉड बन चुका हूँ। नहीं, मुझे इसे रोकना होगा। अवेंजर्स मेरे आगे झुको और गुलाम बनो मेरे, वरना तुम्हें खा जाऊंगा। नहीं दोस्तों, अगर आप चाहते हो मैं इस ऑल फादर लावा गॉड को हरा दूं, वो भी एक नया ऑल फादर गॉड बनकर, तो प्लीज अब तो वीडियो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी। कमेंट में यस जरूर लिखना अगर आप चाहते हो कि मेरा साइज यहाँ पे बढ़ जाए। आइडिया, क्यों ना मैं ऑल फादर गॉड का बचा कुचा पावर इस्तेमाल कर लूं। अरे फ्रैंकलिन बचा मैं। फ्रैंकलिन जल्दी से ऑल फादर गॉड बन जा बच्चे, तू ही सबको बचा सकता है इस ऑल फादर लावा गॉड के कहर से। नहीं, मेरे दोस्तों को छोड़ दे। मैंने कहा था मेरे आगे जो नहीं झुकेगा वो इस दुनिया में नहीं टिकेगा, समझे तुम? उठीन की कसम, अरे कितना मारा। अरे फ्रैंकलिन प्लीज प्लीज हेल्प अस। नो गाइस, मुझे अवेंजर्स को बचाना होगा। तू बचाएगा कीड़े, तुझ में इतनी हिम्मत है भी? बिल्कुल, मुझ पे हिम्मत। गाइस, मेरी अवेंजर्स की फैमिली को इसने मार दिया। नहीं, अरे बाप रे, गलती से भी ऑल फादर गॉड की पावर्स के पास मत भड़क जाना, वरना इनकी तरह तेरा यही हाल होगा। नो गाइस, कुछ तो कुछ बोलो। अरे यार गाइस, ये क्या हो गया? गाइस अवेंजर्स छोड़ के चले गए, मैं अवेंजर्स को बचाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। गाइस कमेंट में RIP अवेंजर्स लिख दो, जिससे कि वो आराम से आराम कर पाए। गाइस बहुत हो गया, मैं इस पोर्टल में जा रहा हूँ। चाहे ये क्या हो रहा है? तेरा साइज तो और कम हो रहा है क्या? नहीं, नो, ये क्या गाइस? वैसे मैं एक ऑल फादर गॉड बेबी तो बन गया, लेकिन मेरा साइज तक कम ही हो गया। गाइस मुझे अपना साइज और बढ़ाना होगा किसी भी हालत में। एक काम करता हूँ, वापस से पोर्टल में जाता हूँ। पोर्टल गायब हो गया है। नहीं, लगता है गाइस ऑल फादर गॉड की जितनी भी सुपर पावर्स थी वो इस लावा गॉड ने ले ली, और बची खुची से मैं छोटा सा बेबी बन गया। अब मैं क्या ही कर लूंगा? मैं अपना साइज कैसे बढ़ाऊं? जम मम्मा जा, यहां मत रो, निकल यहां से। गाइस मेरे अवेंजर्स, हम साथ में कितनी मस्तियां क्या करते थे। गाइस आज हमारा चैलेंज होने वाला है, और बिल्कुल सही कहा, हल किस चैलेंज में जीतेगा जीतूंगा तो मैं ही। उठिन की कसम, मैं यहां से कूदकर स्टॉक मेंशन में सबसे पहले पहुंचूंगा। मेरे अवेंजर्स कहां चले गए? मुझे तुम लोगों की बहुत याद आ रही है। गाइस मुझे अभी सिंचन मिंचन चौप को भी बचाना है इस लावा गॉड से। मैं कसम खाता हूँ अपना साइज जरूर बढ़ाऊंगा। लावा गॉड, मैं ही तेरा अंत लेकर आऊंगा। जाओ यहाँ से, वरना भस्म कर दूंगा तुझे। गाइस मैं जल्दी भागता हूँ यहाँ से। ओह माय गॉड, मुझे जल्दी, एक मिनट गाइस, ये सामने क्या हो रहा है? अरे बाप रे, मेरे को कोई बचाओ, मैं इसके नीचे दब गया हूँ। ओह माय गॉड गाइस, ये तो एक छोटा सा ग्रीन बेबी हल्क है। बच्चे तुझे क्या हो गया? रुक मैं तुझे बचाता हूँ। ओह नो, ये इतने बड़े बड़े पेड़ की लकड़ियां कहाँ लेकर जा रहा है तू? मेरे पापा को वो मार देगा अगर मैं ये काम नहीं किया तो। मल गया। ओह नो गाइस, वो बच्चा इस पेड़ के लकड़ी के नीचे दब गया है, मुझे जल्दी इसको बचाना होगा। मैं तुझे बचा के रहूंगा बच्चे, आजा मेरे साथ आजा। गाइस फाइनली मैंने इसको बाहर निकाला। प्लीज बेबी, मेरे को बता दो एक बार, किसने तेरे पापा को धमकी दी मारने की? किसने? गाइस ये मासूम बच्चा इतना ज्यादा खतरनाक काम क्यों कर रहा था इतनी एज में? अरे बापले, तू कौन है भाई? मैं असल में ऑल फादर गॉड बेबी हूँ, लेकिन तू कौन है? मैं तो एक ग्रीन हल्क बेबी हूँ, मेरे पापा जी को रेड हल्क ने किडनैप कर रखा है। वो बोलता है कि अगर मैं काम नहीं करूंगा रेड हल्क के लिए तो वो मेरे पापा को जिंदा जला देगा। क्या, जिंदा जला देगा? मेरे बच्चे तू ध्यान रख अपना, मैं अभी तेरे पापा जी को बचाता हूँ। गाइस मैं उस रेड हल्क को छोड़ूंगा नहीं। मेरे को छोड़ दे, मेरा बच्चा इतनी मेहनत में गर्मी में काम कर रहा है, तू यार मुझे जला रहा है। अरे बुड्ढे, वो जब तक नहीं आएगा तब तक तू जलता रहेगा, मरा तो दोबारा मार दूंगा। ओह माय गॉड गाइस, ए इन बेचारे अंकल को छोड़ दे। बच्चे तू चला जा यार, ये बहुत खतरनाक मिल रहा है। मैं इससे नहीं डरता, हट यहां से। मैंने तुझे कितनी बार अवेंजर्स के साथ मिलकर हराया? एक मिनट, ये तो जानी पहचानी आवाज है, फ्रैंकलिन कहीं है? तू तो नहीं है, तूने मुझे कैसे बचा लिया? अरे दोस्त से ज्यादा दुश्मन की खबर रखने वाला इंसान हूं मैं। मुझे यहाँ पे कुछ खतरनाक वेपन चाहिए।
है। कम ऑन फ्रैंकलिन, सोच, अगर तुझे अपना साइज बढ़ाना है तो ऐसे विलन्स को हराना होगा। ओह माय गॉड, फायर ब्रिगेड आइडिया गाइस, मैं इस फायर ब्रिगेड को यहाँ पे ले लेता हूँ। अरे बच्चे, कौन है तू? तू तो यहाँ पर ऑल फादर गॉड का बेटा लगता है। हाँ मैं वही हूँ। तो तूने हमें बचाया क्यों नहीं? लावा गॉड ने पूरी दुनिया पे कब्जा कर लिया है, तू बहुत बुरा, निकल यहाँ से। नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं उनका बेटा नहीं हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं उनका, और मैं दुनिया को बचाऊंगा। प्लीज मुझे एक मौका तो दो, फिलहाल मुझे अंकल को बचाना है, फायर ब्रिगेड दे दो। नहीं देंगे, पैसे लगते हैं समझा, चल निकल यहाँ से, भिखारी कहीं का। गॉड भी आजकल भीख मांगते हैं, अरे मार रहा है। अरे गाइस, मुझे यहाँ पर जबरदस्ती इनको पीटना पड़ा क्योंकि ये लोग लिटरली में मान नहीं रहते। गाइस अब इस रेडल को सबक सिखाता हूँ मैं। अरे बाप रे, फायर ब्रिगेड वाला ये क्या कर रहा है? अरे उसको क्यों बुझा रहा है? जलने दे बुड्ढे को, हट यहाँ से वरना मैं तुझे ठोक दूंगा। अच्छा तू क्या कर लेगा, मार कर दिखा मुझे। बच्चे तूने कमाल कर दिया, इतनी चीवर में मार इसको मार। अरे नहीं, अरे पानी से मुझे सख्त मना ही है, डॉक्टर ने कहा एलर्जी है। अरे दूर रख इसको। गाइस अभी इसको बताता हूँ पानी से। अरे बाप रे, अरे ये मच्छर सीट ब्रांड मेरा क्या कर लेगी, मैंने तो अच्छे अच्छे एवेंजर्स को धूल चटा दी। इतना झूठ बोल रहा है तू। अरे बाप रे, तू ऐसा नहीं मानेगा, ये उठाया पत्थर और ये ले। गाइस कमेंट में जल्दी से फ्रैंकलिन ओपी लिखो। फ्रैंकलिन ओपी कोई मत लिखना। नहीं बच्चे लिखेंगे, तब तक ये ले, अरे टांगी तोड़ दे। वाह गाइस, मैंने रेडल को सही टक्कर दी ना, एक और मारता हूँ क्या? नहीं खैर छोड़ो, नहीं तो मर मर जाएगा। पहले जाके देख लेता हूँ कोई नाटक तो नहीं कर रहा है। रेडल, रेडल कट। नहीं गाइस ये बेहोश हो चुका है, क्या बात है, मैंने फाइनली रेडल को सबक सिखा दिया। लेकिन एक मिनट, वो बेबी कहाँ चला गया यार? मैं तुझे तोड़ूंगा ना, टांगी तोड़ी है टांगी। हाँ बच्चे वाह कमाल कर दिया, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? आपका बेटा मैंने रोड पर देखा था, वो बहुत बड़ी बड़ी लकड़ियाँ लेकर आया था, लेकिन मैंने उससे मना कर दिया था कि मैंने उससे बात। पापा जी मेरे को ये अंडा मिला। गाइस ये, अरे बापरे, ये तो एक गॉड का एलिमेंटल पावर वाला अंडा है। अरे बच्चे, इस वाले ऑल फादर गॉड बेबी को ये अंडा दे दे, इसने मेरी हिफाजत की और तेरी भी, उस रेडल से हमें बचाया, इसलिए ये अंडा उसको दे दे। ठीक है पापा जी, ये लो भले भैया, शुक्रिया आपने मेरी फैमिली को बचाया। गाइस ये बच्चा कितना होनहार है। गाइस इसको फोड़ने के लिए स्पेशल करने की जरूरत है, और वो मेरे पास है। अरे भाई ये तो वही पावर है जो ऑल फादर गॉड की बॉडी में से निकली थी। गाइस शायद ये मेरा साइज बढ़ा देंगे। बिल्कुल बच्चे जा, उसका साइज बढ़ा। अरे वाह गाइस, मेरा साइज यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है, क्या बात है, मेरा साइज बहुत ही जल्दी 3000। अरे वाह गाइस देखिए, मैं पहले से बड़ा हो चुका हूँ, हालांकि मेरी शक्ल अब फ्रैंकलिन से नहीं मिलती, लेकिन अब मैं एक ऑल फादर गॉड जरूर लग रहा हूँ। गाइस दुनिया का नया ऑल फादर गॉड मैं बनूंगा, पूरी दुनिया की हिफाजत मैं करूंगा, और उस ऑल फादर लावा गॉड को भी मैं ही हराऊंगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। आप सभी मेरे साथ रहना एकदम अंत तक। ये देखिए गाइस, मेरे पास अब सुपर पावर्स भी आ चुकी है, क्या बात है, क्या मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, क्या मैं जंप लगा सकता हूँ? अरे वाह क्या बात है गाइस, ये देखिए क्या हाई जंप है मेरी। गाइस इतनी पावर से तो मैं यहाँ पर किसी भी बुरे इंसान को सबक सिखा सकता हूँ, और अपने प्यारे भाइयों को, इंसानों को बचा सकता हूँ। गाइस मेरी स्पीड भी काफी बेटर हो गई है, ये देखिए मैंने क्या ही हाई लेवल की जंप लगाई है, काफी मजा आ गया। चलो दोस्तों अब एक काम करते हैं, अपना साइज और बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर, अरे बाप रे एक मिनट, ये कौन रो रहा है? मेरा घर चोरी हो गया, पूरी जिंदगी भर की कमाई से बनाया था। अरे बाप रे दद्दू हल जी, आप रो क्यों रहे इतना? अरे पाचे, मैंने माउंट चिलियाड पर 17 साल से मेहनत कर एक घर बनाया था, वो चोरी हो चुका है। अगर तूने मेरा घर मेरे को वापस दिया, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तेरी उम्र और साइज बढ़ा दूंगा। क्या सच में आप ऐसा कर सकते हैं? गाइस मुझे अपना साइज बढ़ाने की बहुत जरूरत है। एक मिनट गाइस, मुझे लगता है वो जो चोर था वो यहीं से इन अंकल जी का घर चुरा के ले गया है, इसलिए हम यहीं से कूदेंगे। अरे बाप रे गाइस, मैं पता करके रहूंगा कि असल में दद्दू हल्क का जो घर है वो किसने चुराया, जिससे कि बेचारों वो खुश हो जाए और यहाँ पर मेरा वो साइज बढ़ा दे। मजा ही आ गया। ये कौन है? ओह माय गॉड, इसके कितनी आर्म, 6 आर्म्स। अरे भाई ये तो जायंट 6 आर्म रिवेंजर हल्क है। गाइस ये कर क्या रहा है? इस घर में जादुई शक्तियां छुपी हैं, जिनको निचोड़ कर मैं निकाल लूंगा। गाइस ये शायद उसी दद्दू हल्क का घर है, क्योंकि उनके पास जादू आता है, वो कह रहे थे मेरा साइज बढ़ाने के लिए। गाइस ये जादुई घर है, नॉर्मल नहीं है, तभी यहाँ पर इसने घर को चुराया है। गाइस आइडिया, मैं यहाँ पर इससे बोलता हूँ कि अगर इसने घर वापस नहीं दिया तो दद्दू हल्क किसको चूहा बना देंगे। वाह बना देंगे, कौन है तो? अरे बाप रे उसने मुझे देख लिया। गाइस आइडिया, क्यों ना मैं इस घर को उठा के यहाँ से भाग जाऊँ, क्योंकि वो वैसे भी मेडिटेशन कर रहा है। हैं ये क्या, घर बहुत भारी है। अरे कमोन, अरे क्या हो रहा है गाइस, ऐसे तो बेइज्जती हो जाएगी। कमोन कमोन प्लीज प्लीज उठ जा। अच्छा तो तू है, इसको चूहा बनाने की बात हो रही थी,
निकल जा यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। ये ले। घर उठा के कौन फेंकता है? अरे बचाओ मुझे, बहुत जोर से लग गई लिटरली में। ये बहुत ही ज्यादा डेंजरस शिक्षाम्स रिवेंजर हल्क है। मुझे इसको हराने के लिए दोस्तों यहाँ पर अपनी सुपर पावर्स को जागरूक करना होगा। मैं एक ऑल फादर गॉड कोई छुट्टू मुट्टू सा इंसान या फिर गॉड नहीं हूँ मैं। अरे बाप रे, ये क्या, मैंने गुस्से गुस्से में यहाँ पर जमीन से पानी निकालना शुरू कर दिया। आइडिया, क्यों ना मैं गाइस पहले घर में आग लगा दूं, उसके बाद पानी भी डाल दूंगा जिससे घर बच जाएगा। और ये सिक्स आर्म्स हल्क, अरे नहीं ये क्या हो गया, घर में आग कैसे लगी, मुझे पानी लाना होगा। अरे नहीं, मेरा घर को घुसने चलाया, अरे इसकी सारी जादुई शक्तियां बुझ जाएंगी, मुझे पानी चाहिए। गाइस देखा, मेरा प्लान यही था, अभी वो पानी लेने गया, अब यहाँ पर जैसी वो दूर जाएगा जल्दी से बाल्टी लाओ, अरे बाल्टी दो। आइडिया, अब एक काम करते हैं दोस्तों, जल्दी से पानी से ना पूरे घर की आग को बुझा देते हैं। गाइस देखा, यहाँ पर मैंने प्रॉब्लम भी खुद ही क्रिएट की और सॉल्यूशन भी निकाल लिया। अब एक काम करता हूँ, जल्दी से इस घर को यहाँ से उठाकर चलता हूँ। अरे बाप, इस घर को उठाऊं कैसे, बहुत भारी है। गाइस आप कब तक कमेंट में ऑल फादर गॉड ओपी लिख दीजिए, फिर तो जरूर मैं इस घर को उठा पाऊंगा। गाइस घर उठाने का एक और तरीका भी तो है, क्यों ना मैं इसको ट्रक पर लोड करके लेके चलूं। ओके गाइस, मैं तो पावरफुल हुई नहीं कि घर उठा पाऊं, लेकिन ये ट्रक तो उठा लेगा, क्या बात है। मैंने यहाँ पर घर को लोड कर लिया। अरे मेरा घर कौन ले जा रहा है, रुक जा। अरे यार वो आ रहा है, अरे जल्दी कर यार फ्रैंकलिन, वरना तेरी पैंट बन जाएगी। अरे बाप रे, एक बार तद्दू हल्क के पास पहुंच गया तो मेरी प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। मेरा घर है तद्दू, तद्दू आप मुझे यहाँ कैसे मिल गए? बेटा मैं तेरा पीछा कर रहा था, फिर यहाँ से आगे नहीं जा पाया। वाह गाइस, तद्दू शुक्रिया आप यही मिल गए, एक बड़ा सा शिक्षाम रिवेंजर हल्क मेरे पीछे पड़ा। चिंता मत कर, मैं उसको मसल के रख दूंगा एक बार मिला तो। तूने यहाँ पर मेरी मदद की, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तेरा साइज जरूर बढ़ाऊंगा। क्या बात है गाइस, दद्दू जी तो कमाल निकले। यहाँ पर देखिए, ये किसी जादू की मदद से मेरा साइज बढ़ाने की बातें कर रहा है। एक मिनट, यहाँ पर साइज मीटर में साइज, ओ माय गॉड, यहाँ पर गाइस अब मैं उड़ने लायक हो गया हूँ और मैं रिवेंजर ऑल फादर गॉड बन चुका हूँ। गाइस मेरे पास अब टेलीपोर्टेशन पावर आ गई है, मैं कहीं से भी पत्थर उठाकर किसी को भी मार सकता हूँ, क्या ही सुपर पावर्स है। और गाइस देखिए, मैं आसमान में कितनी अच्छी तरह से उड़ भी पा रहा हूँ, मेरा बैलेंस भी बहुत बढ़िया हो गया है। और गाइस इतना नहीं, मैं यहाँ पर सुपर हैवी अटैक्स भी कर सकता हूँ। गाइस अब मैं अपने एवेंजर्स को जरूर बचाऊंगा और यहाँ पर उस ऑल फादर लावा गॉड को यहाँ से भगा करूंगा। एक मिनट, ये न्यूज पर क्या चल रहा है? अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है, एवेंजर्स की सारी शक्तियों को ऑल फादर लावा गॉड छीन रहा है जिससे कि वो पूरी तरह से मर जाए। क्या, नहीं मेरे एवेंजर्स पूरी तरह से मर नहीं सकते, कोई उनको बचा लो वरना सब खत्म हो जाएगा। नहीं, मैं वादा करता हूँ एवेंजर्स, तुमको मैं बचा के रहूंगा, मैं दुनिया का नया ऑल फादर गॉड बन के रहूंगा। गाइस मैं जल्दी से एवेंजर्स के पास जाता हूँ और जाकर उनको बचाता हूँ। एवेंजर्स मैं आ रहा हूँ तुम्हारे पास। एवेंजर्स की एक बार शक्तियां मुझे मिल गई तो मैं 10 सर वाला ऑल फादर लावा गॉड बन जाऊंगा। गाइस ये मेरे सारे एवेंजर्स की शक्तियां छीन रहा है जिससे कि ये 10 हेडेड ऑल फादर लावा गॉड बन जाए। नहीं मेरे एवेंजर्स प्लीज मुझे छोड़ के मत जाना। ये किसकी आवाज आई मुझे, लगता है वो चमचा फ्रैंकलिन आ चुका है। क्या, मैं चमचा नहीं हूँ, मैं यहाँ पर एक ऑल फादर गॉड बन गया हूँ, समझा तू? ये ले, मैं तुझे चांद से मार दूंगा। अरे इससे तो बच्चे खेलते हैं, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ये ले, ये बच्चा ही तुझे हरा के रहेगा। गाइस यहाँ पर ऑल फादर लावा गॉड नूब लिखी है। कौन नूब लिखेगा मुझे, मैं भी तो देखूं, ये ले देख तेरा क्या हाल क्या मेरा। अरे गाइस प्लीज सपोर्ट मी, नहीं मैं अपने एवेंजर्स को बचाने के लिए हजार कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं तो यहाँ पर नाकामयाब हो गया। मर गया होगा तड़प तड़प कर। नहीं मैं हार नहीं मानूंगा, मैं यहाँ पर बिल्कुल हार नहीं मानूंगा, मुझे एवेंजर्स की कसम मुझे हार नहीं माननी है, मैं किसी भी हालत में इसको हरा के रहूंगा। गाइस मैं इसको ऐसे नहीं हरा सकता, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये मेरे सारे एवेंजर्स भाइयों की शक्तियां भी छीन ले रहा है। एक समय था दोस्तों जब हम साथ में खेला करते थे, एवेंजर्स मैं तो यहाँ पर कूद गया हूँ, क्या बात है, बहुत मजा आ रही है। ये क्या, अब यारो जीतूंगा मैं, पाओ सबसे पहले मैं करूंगा। हल्क, हल्क यहाँ पर सबसे पहले क्या है, अरे अरे हल्क के सर पे लग गई जोर से। हल्क तो बिल्कुल पाल है, मतलब इतनी जल्दी जा रहा था और ठुक गया। हल्क
तो मैं जा रहा हूँ टोनी सर, देखिए कितनी बढ़िया तरीके से कूद सकता हूँ मैं, मेरे पास सुपर पावर्स है। ओडिन की कसम, मैं भी तो यहाँ पर खेलने ही आया हूँ, अरे जीतूंगा तो मैं ही। अरे जीतूंगा मैं, ऑल फादर गॉड मेरा भाई है। नहीं, ऑल फादर गॉड सबका भाई है गाइस, सबका भाई है, लेकिन मैं इनको बचाऊं कैसे? बहुत हो गया दोस्तों, मैं ऐसे हाथ पे हाथ रखे नहीं रहूंगा। एक मिनट, ये कौन आ रहा है? अरे मुझे भूल गया तू, फ्रैंकलिन तुझसे मेरी पुरानी दुश्मनी है, पापा जी इसको मार दूं। मार दे मेरा बच्चे, जो करना हो कर ले इसका। नहीं छोड़ मुझे। ए, चल अब निकल यहाँ से, तेरे को अपनी पृथ्वी से किसी दूसरी दुनिया में भेज देता हूँ। मजा ही आ गया इसको फेंक कर। एक मिनट, ये कहाँ पर आ गया मैं? अरे जल्दी जल्दी मुझे यहाँ मेहनत करनी होगी, मुझे यहीं पर हजारों करोड़ों साल पुराना एक एलिमेंटल पावर वाला अंडा मिल जाएगा। ये कौन? अरे भाई ये तो लावा गॉड का भाई है। मैं अपने भाई को मारूंगा सबसे पहले, उसके बाद पूरी दुनिया पर कब्जा खुद करूंगा और कम से कम 20 हेडेड ऑल फादर आइस गॉड बन जाऊंगा। गाइस मुझे इसको रोकना होगा, ये लावा गॉड से भी ज्यादा बड़ा मॉन्स्टर बनेगा अगर इसको। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे वाह, मुझे यहाँ पर सुनहरा एलिमेंटल पावर वाला अंडा गया। अब समय आ गया इसको फोड़ तोड़ने का और अपने आप को 20 हेडेड ऑल फादर आइस गॉड बनाने का। नहीं 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 नहीं, अरे काकरी ये क्या कर दिया गाइस, इसने तो यहाँ पर वो पोर्टल भी बना लिया। हे मेरे पीछे कौन है? यहाँ से निकल जा चुपचाप। मैं निकलने नहीं आया हूँ, तुझे मार रहा हूँ, निकल जा यहाँ से। गाइस मैं काम करता हूँ, इसको पीट कर बेहोश करने के बाद उस खतरनाक एलिमेंटल पावर्स के पोर्टल से अपना साइज बढ़ा लूंगा और लावा गॉड तो बचने नहीं वाला, मुझे एवेंजर्स को बचाना होगा किसी भी हालत में। वाह क्या बात है गाइस, ये पावर्स बहुत ही सुपर तरीके से काम कर रही हैं, मेरा साइज ऑलरेडी यहाँ पर इन्होंने काफी बढ़ा दिया है। गाइस अब समय आ चुका है उस लावा गॉड को उसकी औकात दिखाने का, उसने मेरी फैमिली की सुपर पावर छीन कर और हमारे ऑल फादर गॉड की सुपर पावर छीन कर बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अब मैं दुनिया का नया ऑल फादर गॉड बनूंगा। अरे पापा जी ये कीड़ा तो और बड़ा हो गया क्या? अरे ये क्या? ये ले, मैं तुझे चांद से मार दूंगा। गाइस कमेंट पे ज्यादा से ज्यादा ऑल फादर गॉड ओपी लिखो, अगर आप मेरे सपोर्ट में तो प्लीज यस जरूर लिखना। गाइस देखिए अब मैं यहाँ पर इतनी ज्यादा गर्मी कर दूंगा कि लावा गॉड खुद यहाँ पर पिघल जाएगा। तू मुझे पिघलाएगा, मैं को ऑल फादर। अरे नहीं ये क्या हो रहा है? नहीं, अरे मेरे बेटे बचा मुझे। अरे पापा जी मैं खुद भाग रहा हूँ, अरे ये बहुत खतरनाक हो गया, जब ये आपको पीट सकता है तो मेरा क्या हाल करेगा। वाह गाइस हमने यहाँ पर ऑल फादर गॉड को हरा दिया, मेरा मतलब नकली वाले ऑल फादर गॉड को। और अरे अवेंजर्स, अरे फ्रैंकलिन हमें दिखा तो कुछ नहीं लेकिन हमने सब सुना, मेरे भाई तूने हमको बचा लिया। बिल्कुल फ्रैंकलिन तू कमाल का है, लेकिन ये हमारे ऑल फादर गॉड से छोटा है। हाँ ये बात तो तुमने सही कही। एक मिनट गाइस, ऑल फादर लावा गॉड को हराने की वजह से ऑल फादर गॉड की जो रियल पावर्स थी वो वापस से वहीं आ गई है जहां पहले थी। फ्रैंकलिन कम ऑन उसको यूज कर ले, इससे पहले कोई उसका गलत इस्तेमाल करे मेरे भाई, हमें और हमारी पूरी दुनिया को सुरक्षित करने के लिए तू दुनिया का सबसे बड़ा ऑल फादर गॉड बन जा। बिल्कुल गाइस क्यों नहीं। ओहो गाइस मेरा साइज यहां पर 9000 करोड़ होने जा रहा है और मैं पक्का यहां पर। अरे भाई ये क्या गाइस, लुक एट मी, मैं यहाँ पर कितने एडिट बन गया यार, मैं तो खुद भी गिनते गिनते थक जाऊंगा। गाइस आप एक काम कीजिए, आप खुद से मेरे हेड्स को गिनिए और जो भी बच्चा यहाँ पर सही जवाब देगा मैं उसको कमेंट में रिप्लाई जरूर करूंगा। बिल्कुल, और बाकी गाइस स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं वो भी देख लीजिए, बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।